मुरादाबाद के हरपाल नगर स्थित गांधीनगर पब्लिक स्कूल में स्प्रिंग क्राफ्ट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने प्रतिभा को दर्शाते हुए एक से एक कलाकृतियां जैसे बारिश का दृश्य, इंद्रधनुष, बगीचा, तितलियों से बॉल, हैंगिंग आदि बनाए, जिसमें फूलों की पत्तियां, पॉम पॉम, पेपर फ्लावर आदि का उपयोग किया गया। आज के परिणाम इस प्रकार रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सभी बच्चों को बेहतर मॉडल बनाने के लिए बधाई भी दी। आपको बताते चलें, समय समय पर गांधीनगर पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। इसी श्रृंखला में इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। अभी तक न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने यह जानकारी दी कि बच्चों द्वारा बेस्ट मटेरियल से कई प्रकार के मॉडल बनाए गए हैं और संदेश भी दिए गए हैं। सभी बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। आज गांधी नगर पब्लिक स्कूल में स्प्रिंग सीजन को लेकर कॉम्पिटिशन्स कराए गए। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ बनाई। बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेनबोज बनाए हैं, उधर रेनबोज भी हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं। इतनी खूबसूरत इनोवेशन बच्चों का दिखाई दे रहा है। मौसम के अनुसार कलर बखेरे हैं बच्चों ने, और जो बहुत ही बच्चों की क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। मन इतना खुश है ये देखकर कि हाँ, बच्चों ने इसमें अपने पूरे मन से आज के इस बरसात के मौसम के हिसाब से रंग भरे हैं। सभी को मेरी बहुत शाभी शुभकामनाएं। कितने बच्चों ने भाग लिया? मेरे ख्याल में इसमें, मैं अभी देख रही थी, बच्चे करीब 30-40 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और मौसम के हिसाब से, त्योहारों के हिसाब से, समय के हिसाब से इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी ज़मीन से जुड़े, पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छे नागरिक बने, और उनके अंदर अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति और को लेकर एक लगाव हो और सम्मान हो। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी शुभकामनाएं।